पंजाब ते पंजाबियां नू मुद्दे तो पटकाउन वास्ते बंगाल दे विच जिहड़े साडे भरा दे उपर एक हमला होया उहदे केसां दी बेअदबी की गई उहदी दस्तार दी बेअदबी की गई पर इस संबंध विच बंगाल दी जिहड़ी गवर्नमेंट है जां बंगाल दे ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨਕੀ ਦਸਤਾਰ ਕੋ ਪਗੜੀ ਕੋ ਉਤਾਰਾ ਉਨਕੋ ਬਾਲੋਂ ਸੇ ਖਿੱਚ ਕਰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਆ ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारियो बंगाल में एक बहुत ही दर्दनाक घटना वापरी जिथे एक सिख सिक्योरिटी इंचार्ज और सिक्योरिटी इंचार्ज जो बीजेपी दे ही नेतावां नू सिक्योरिटी प्रदान करता सी उस नू पुलिस ने कुट कुट के नीला कर दिता है। उन्होंने बलजिंदर सिंह की दस्तार की बेअदबी की बुरी तरह नाल डांगा नाल कुटिया मारिया गया ते इन्ना कुछ होने के बावजूद भी उत्थे दे मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी मुंह बंद करी बैठी है कि आखिर ये होया ता होया किवें किदा किसी की हिम्मत पै गई एक सिख नू निशाना बनाण दी पर ये सब कुछ बहुत सोचिया समझिया ते कोचिया चालां दे तहत हो रहा है क्योंकि पंजाब ते हरियाणा दे विच जो एक जन सैलाब उठना शुरू होया है केंद्र दे खिलाफ उस नू वेख के केंद्र नू हत्थां पैरां दी पै गई है ते जान बुझ के मुद्दियां तों भटकाण वास्ते हुण अजिहियां घिनौणियां हरकतां कीतियां जा रहियां ने जिस नू असीं कदे बर्दाश्त नहीं करांगे। फिर कल चाहे मनीषा वाल्मीकि दे बलात्कार अते कत्ल दी होवे या बलविंदर सिंह दी होई कुटमार दी कीती गई बेअदबी दी ए सारे मसले उत्ते आखिर की कह रहे ने ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन दे साबका प्रधान अते श्रोमणी अकाली दल टकसाली दे चैनल सकत्तर भाई करनैल सिंह पीर मुहम्मद भाई मनजिंदर सिंह सिरसा अते दमदमी टकसाल जथा राजपुरा तो भाई बलजिंदर सिंह परवाना मारते हैं एक नज़र। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बीते दिन पछमी बंगाल दे विच जो घटना वापरी है जिस दे विच एक सुरक्षा गार्ड सिख नौजवान की दस्तार की बेअदबी की गई केसा की बेअदबी की गई इस तरह दी घटनावां बर्दाश्त नहीं कीतियां जाणगियां। ममता बैनर्जी मुख्यमंत्री पछमी बंगाल नूं चाहीदा सी कि बिना किसी देरी दे उसदे कार्रवाई करदी लेकिन अजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं अपनी सिख कौम की लीडरशिप नूं भी कहांगा कि क्यों तुसीं सुत्ते पए हो क्यों नहीं जागदे जदों भी इस तरह की कोई घटना वापरती है उसका तुरंत नोटिस लेना चाहिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। अक्सर ही सोशल मीडिया के उपर देखते हैं कि अलग अलग राज्यों के अंदर सिख नौजवानों की ज सिख सरूप वाले चेहरों की बेअदबी होंगी आप तकते हैं ये कदों तक अं इस तरह बर्दाश्त करते रहेंगे। सो इस घटना का सख्त तो सख्त असी नोट्स लिया है और इस दे उत्ते सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। सो बिना किसी देरी दे पछमी बंगाल की सरकार नू तुरंत इस दे उत्ते कार्रवाई करनी चाहिए है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। किसानों का संघर्ष चल रहा मोर्चे थां थां ते लग रहे ने इस संघर्ष नू एक नवा रूप देण वास्ते जिहड़ी भाजपा है वह चल पई है। संघर्ष नू तारो पीड़ किवें कीता जावे संघर्ष नू खेलू खेलू कीता किवें जावे पंजाब ते हरियाणे दे किसानां नू किवें किसी होर मुद्दे ते भटकाया जावे उहदे वास्ते इन्हां ने चालां चलणियां शुरू कर दित्तियां ने। पहली चाल तुसीं इक साडी भैण दा जो रेप यूपी दे विच होया उह यूपी दे विच रेप दा होना विरोध करना दंगे खड़े करने उहदा मतलब इही आ कि पंजाब दे विच जिहड़े हालात ने उह खराब हो जाण किसानां दा संघर्ष फेल हो जाए। उस तो बाद लॉकडाउन 2 महीने रहा गड्डियां रेलां सारा कुछ बंद रहा उदों कोला खत्म नहीं होया 2-2 महीनों विच हुण 2 दिनों के पंजाब दे विच बत्ती जिहड़ी आ उह जाण दियां जिहड़ियां अफवाहां लोकां दे विच आ गईआं ने ते रीसेंटली पंजाब ते पंजाबियां नूं मुद्दे तो भटकाउण वास्ते बंगाल दे विच जिहड़े साडे भरा दे उपर एक हमला होया उहदे केसां दी बेअदबी की गई उहदी दस्तार दी बेअदबी की गई पर इस संबंध विच
बंगाल की जी गवर्नमेंट है ज बंगाल के जोड़े उत्तों के प्रशासन अभी तक कोई एक्शन नहीं आया। यदा कारण की है? यदा कारण यही आ इस टाइम जेड़ा पंजाब के किसान किसानी खत्म किया जा रहा है उन्होंने मुद्दों तो परे करने वास्ते भाजपा जोड़ा बंदा कि भाजपा स्टैंड नहीं लै सकती कि भाजपा कोई एक्शन नहीं कर सकती वो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता सी लीडरों मंत्रियों तो उन्होंने एक मतलब मोहरा बना के उन्होंने वो केसा की बेदबी की भी ता कि जो पंजाब वासी जा पंजाबी ने वो इस पास में तुर पैन। सो इस करके मैं नौजवान वीरां नूं भैणां नूं भरावां नूं सब नूं बेनती करदा भी किसानां दा संघर्ष जिवें चल रहा नूं चली जाण दिओ। ते रही गल भाजपा वालियां दी इह जे 31 पाउणगे ते 51 इहनां नूं मोड़ के विखावांगे। हालात साडे पंजाब दे चंगे ने, कोई गल नहीं, 32 बंद कर दिओ कर दिओ, जिहड़ा कुछ बंद करना कोई गल नहीं, ये पंजाब ते पंजाबी किसान है कोई गल नहीं, ये भुखा बेशक मर जाएगा पर ये तुहाडी ई नहीं मन्नण वाला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल कोलकाता में जिस तरीके सरदार बलविंदर सिंह जी के साथ बंगाल की पुलिस ने मारपीट की, उनकी दस्तार को पगड़ी को उतारा, उनको बालों से खींचकर अपमानित किया, ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है। इसने पूरी दुनिया के अंदर सिखों को बहुत दुख दिया है। ये वीडियो देखकर हम सब जहां आहत हुए हैं, वहीं हम वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को ये बताना चाहते हैं, याद कराना चाहते हैं, ये वही दस्तार पगड़ी है जो श्री गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने अपने चार लाल वार कर हमें दी। ये वही दस्तार पगड़ी है जिसको पहनकर शहीद भगत सिंह ने अपने गले में फांसी का फंदा डाला, और ये वही दस्तार और पगड़ी है जिसको पहनकर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को सरेंडर कराया और बांग्लादेश अलग से मुल्क बनवाया। और आपकी पुलिस उस दस्तार की इस तरह से बेअदबी करे, बेइज्जत करे, ये हमें बर्दाश्त नहीं। मैं ममता बनर्जी से आग्रह करता हूं तुरंत 295A के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उस पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और बलविंदर सिंह को जो नजायज जेल में बंद कर दिया गया उनको बाहर निकाला जाए। गुरप्रीत अंत तक यही गल करना चाहांगे, इन्हां सरकारां दीआं गंदियां ते घटियां नीतियां दे करके ही अज देश दे विच कानून व्यवस्था बद तों बदतर होई पई है। जिहड़े आगू सरकारां ते काबज़ ने, अगर ओह किसान विरोधी बिल लिया के उस नूं पास करवा सकते ने तां अजिहे कुछ कानून क्यों नहीं पारित करवा सकते, क्यों नहीं बना सकते कि बलात्कारियां नूं तुरंत सज़ावां होण ते अजिहियां होण कि गलत सोच वालों की रूह तक कंप जाए। मुड़ अजिही किसी कानूनी घटना को अंजाम देने बारे सोचद होया भी, पर यह सरकार अजिहे कानून क्यों पारित करनगियां? यह तो सिर्फ वो कानून पास करनगियां जिस दे नाल लोकां दा कान हुंदा होवे, लोकां च फुट पैंदी होवे ते इन्हां दीआं जेबां भरतीआं होण। हुण वेखणा इह होवेगा कि इस मसले दे उत्ते की कोई होर वड्डा राजनेता बोलदा है, हस्तक्षेप करदा है या नहीं करता, क्योंकि बेमतलब एक सिख नू निशाना बनाया गया, उसकी दस्तार की बेअदबी की गई, उसके केसों तो फड़ के उसनू कुटिया गया। यह सिख कौम कदे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ते जेड़ियां सरकारां उतारू हो जांदियां ने तानाशाही रवैया अपनाते, उन्हां दा फिर तख्ता पलट होना लाजमी हो जाता है। तो इस सभी इस मसले उत्ते की सोचते अपने विचार नीचे कमेंट्स के जरूर देना। वीडियो चंगी लगी हो लाइक तो शेयर भी जरूर करना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिख धर्म की हर गतिविधि अते गुरबाणी वास्ते हुने सब्सक्राइब करो गुरबाणी अखंड बाणी, अते नोटिफिकेशंस वास्ते बैल नूं रिंग करो। कल कोलकाता में जिस तरीके सरदार बलविंदर सिंह जी के साथ बंगाल की पुलिस ने मारपीट की, उनकी दस्तार को पगड़ी को उतारा, उनको बालों से खींचकर अपमानित किया, ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है। इसने पूरी दुनिया के अंदर सिखों को बहुत दुख दिया है। ये वीडियो देखकर हम सब जहां आहत हुए हैं, वहीं हम वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को ये बताना चाहते हैं, याद कराना चाहते हैं, ये वही दस्तार पगड़ी है जो श्री गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने अपने चार लाल वार कर हमें दी। ये वही दस्तार पगड़ी है जिसको पहनकर शहीद भगत सिंह ने अपने गले में फांसी का फंदा डाला, और ये वही दस्तार और पगड़ी है जिसको पहनकर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने
90,000 पाकिस्तानी फौजियों को सरेंडर कराया और बांग्लादेश अलग से मुल्क बनवाया, और आपकी पुलिस उस दस्तार की इस तरह से बेअदबी करे, बेइज्जत करे, ये हमें बर्दाश्त नहीं। मैं ममता बनर्जी से आग्रह करता हूँ तुरंत 295A के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उस पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और बलविंदर सिंह को जो नजायज जेल में बंद कर दिया गया उनको बाहर निकाला जाए।